मिशन दी कंस्ट्रक्शन कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं पंकज मौर्य आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कामना रखता हूँ ईश्वर से कि ईश्वर हम सबको सदा सुखी रखे और आपको और मुझे खुद स्वयं अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रेरित करें। आज का हमारा लेक्चर है बिल्डिंग ब्रिक एज कंस्ट्रक्शन मटेरियल। आइए देखते हैं करिकुलम टारगेट। आज के लेक्चर में या बिल्डिंग ब्रिक में कौन कौन से टारगेट हमें रखने हैं वो देखना। इंट्रोडक्शन टू ब्रिक, ब्रिक का परिचय, ईंट का परिचय। ब्रिक मतलब ईंट, हिंदी में ईंट। यूजेज ऑफ ब्रिक, ब्रिक का उपयोग, ब्रिक का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक, ब्रिक का वर्गीकरण, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे हम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रिक, अच्छे ब्रिक या अच्छी ईंट के कौन कौन से लक्षण होते हैं। कंपोजिशन और इंग्रेडिएंट ऑफ गुड ब्रिक, अर्थ जो अच्छी ब्रिक अर्थ होती है, अच्छी ईंट निर्माण करने वाली मिट्टी के कौन कौन से संघटक होते हैं या कौन कौन से अवयव होते हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक, ब्रिक का निर्माण या ब्रिक का उत्पादन। डिफेक्ट्स इन ब्रिक, ईंट में अवगुण क्या क्या होते हैं, डिफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। टेस्टिंग ऑफ ब्रिक, ईंट का परीक्षण कैसे करते हैं। हैवी ड्यूटी बंट क्ले ब्रिक, हैवी ड्यूटी बंट क्ले ब्रिक क्या होती है या उच्च कार्यों के लिए उपयुक्त बंट ब्रिक। बंट ब्रिक का मतलब जली हुई ईंट या पकी हुई ईंट। बंट क्ले परफोरेटेड ब्रिक, छिद्रित जली हुई ब्रिक या पकी हुई ईंट। बंट क्ले पेविंग ब्रिक, पेविंग कार्य में यूज ब्रिक क्या होती है। बंट क्ले हॉलो ब्रिक और सोलिंग ब्रिक, सोलिंग पर्पज में और हॉलो ब्रिक का यूज पार्टीशन वाल में होता है। ये टोटल सिलेबस है हमारा, इसमें हमें कवर करना है 4 या 5 जो भी लेक्चर होंगे ब्रिक के उसमें हम कवर करेंगे। आज के हमारे लेक्चर में टॉपिक कौन कौन से कवर्ड है ये मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिक, ब्रिक का इंट्रोडक्शन है। यूज ऑफ ब्रिक, ब्रिक का यूज क्या है ये कवर किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक कवर है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रिक, इतनी ही चार चीज़ें आज के इस लेक्चर में कवर किया गया है और मैं कोशिश करूँगा कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आपको प्रोवाइड कर सकूँ। नेक्स्ट, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ब्रिक वर्क के एग्जाम्पल क्या है। कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ब्रिक का यूज कहाँ कहाँ होता है इसका एग्जाम्पल। ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के अकॉर्डिंग कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं, कुछ एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। बाकी आप अब डेली यूज में देख सकते हो, टूरिस्ट प्लेसेस पर देख सकते हो कि ब्रिक की बनी है, स्टोन की बनी है, क्या है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना की जो महान दीवार है, चीन की जो महान दीवार है जो 210 BC में बनाई गई थी, वो ब्रिक से बनी हुई है। द अदर एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ ब्रिक इज स्टेज ऑफ सिविलाइजेशन कुड बी इन रोम। रोम की सिविलाइजेशन में, यहाँ तक कि इंडिया की जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन है, इन सब की केस में ब्रिक का यूज मिलता है, ऐसा हिस्ट्री में प्रमाण मिलता है, प्रूफ मिलता है। नेक्स्ट, इट इज़ एक्सटेंडली यूज एज प्रेजेंट एज लीडिंग मटेरियल इन कंस्ट्रक्शन। ये एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है करेंट कंडीशन में, इसे ज़्यादातर यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, ड्यू टू ड्यूरेबिलिटी, इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है। स्टोन ब्रिक से ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, लेकिन फिर भी ब्रिक स्टोन से ज़्यादा यूज होता है, क्यों आगे देखते हैं। स्ट्रेंथ वर्सेज वेट रेशियो, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है ब्रिक की वेट के रिस्पेक्ट में, और स्टोन की स्ट्रेंथ तो ब्रिक से ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी हम ब्रिक क्यों यूज करते हैं। रिलायबिलिटी आ गया ना, क्यों यूज करते हैं, रिलायबिलिटी। ब्रिक स्टोन के मामले में ज़्यादा रिलायबल होता है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ईजी अवेलेबिलिटी, आसानी से उपलब्ध हो जाता है। रिलायबल का मतलब उत्तम, रिलायबल का मतलब उत्तम होता है। लो कास्ट, और इसकी कंस्ट्रक्शन कास्ट या ब्रिक की जो कास्ट होती है वो लो होती है, लो कास्ट पर ब्रिक अवेलेबल होता है। ईजी टू हैंडल, नेक्स्ट रीजन है क्या स्टोन पर ब्रिक को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, क्यों। ईजी टू हैंडल, ये हैंडल करने में भी ईजी होता है, इसलिए हम स्टोन को प्रीफर, स्टोन के ऊपर या स्टोन के स्थान पर ब्रिक को या ईंट को प्रीफर करते हैं। ब्रिक आर ऑब्टेन बाय मोल्डिंग क्ले इन रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स।
ऑफ यूनिफॉर्म साइज एंड बाई एंड देन बाई ड्राइंग एंड बर्निंग दीज ब्लॉक्स। होता क्या है, ब्रिक के लिए जो मोल्डिंग क्ले होती है या ब्रिक क्ले होती है उसको रेक्टेंगुलर ब्लॉक में यूनिफॉर्म साइज में प्रिपेयर करते हैं इन केस ऑफ प्लास्टिक स्टेज। ब्रिक अर्थ जो है उसको प्लास्टिक स्टेज में रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में यूनिफॉर्म साइज के जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स होते हैं उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। एंड देन बाय सन ड्राइंग, सन में उसको ड्राइंग कर लेते हैं, सुखा लेते हैं। बर्निंग दीज ब्लॉक्स एंड लास्ट में किल्न में उसकी बर्निंग की जाती है। ये मैन्युफैक्चरिंग ऐसे होता है। ब्रिक क्या होता है, ब्रिक अगर बेसिकली कोई पूछे क्या होता है तो ब्रिक आर रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स ऑफ यूनिफॉर्म साइज मैन्युफैक्चर्ड बाय अर्थी मटेरियल, मृतिकामय पदार्थों से बना होता है ब्रिक। द लेंथ विड्थ एंड हाइट ब्रिक आर इंटररिलेटेड एज बिलो। ब्रिक की जो लेंथ विड्थ, ब्रिक की लंबाई चौड़ाई और हाइट कैसे एक दूसरे से संबंधित है, उसका क्या रेशियो होता है, ये देखते हैं। जनरली कभी पूछ सकता है, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। इसके डूगल से लिया गया है, ये स्टैंडर्ड बुक है, इसके डूगल से लिया गया है। लेंथ ऑफ ब्रिक बराबर क्या होगा, ट्वाइस ऑफ विड्थ ऑफ ब्रिक प्लस थिकनेस ऑफ मोर्टार। एक ब्रिक की लेंथ कितनी रखनी चाहिए, विड्थ का ट्वाइस और प्लस थिकनेस ऑफ मोर्टार, मोर्टार की थिकनेस के बराबर, ताकि एक ब्रिक की लेंथ में दो ब्रिक हो जाएं हेडर टू हेडर और उनके बीच में एक मोर्टार लेयर बन जाए। इसलिए लेंथ ऑफ ब्रिक ऐसे रखते हैं, ब्रिक की लेंथ ऐसे रखते हैं, ट्वाइस विड्थ ऑफ ब्रिक एंड प्लस थिकनेस ऑफ मोर्टार। कंपल्सरी है, ये पूछ सकता है, अगर मैं पेपर बनाऊंगा तो पक्का पूछूंगा 100%। क्लियर, अथॉरिटी तो नहीं है बट चांस तो कभी ना कभी मिलेगा ही। हाइट ऑफ ब्रिक, विड्थ ऑफ ब्रिक, हाइट ऑफ ब्रिक और विड्थ ऑफ ब्रिक, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल रखी जाती है। नेक्स्ट, साइज ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक आल्सो नोन एज मॉड्यूलर ब्रिक। जो स्टैंडर्ड ब्रिक की साइज होती है उसी को हम बोलते हैं मॉड्यूलर ब्रिक। और उसकी साइज क्या रखते हैं, 19x9x9 सेंटीमीटर। देखो क्लियर, बिल्कुल स्टैंडर्ड ब्रिक की जो साइज रखते हैं 19x9x9 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ 9 सेंटीमीटर, लेंथ 9, उसकी जो लेंथ रखेंगे वो 19 सेंटीमीटर यानी कि 190 mm, और उसकी विड्थ 90 mm यानी कि 9 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट क्या रखेंगे 90 mm यानी कि 9 सेंटीमीटर उसकी हाइट। 190 x 90 x 90 x 90 इसकी क्या होगी, साइज होगी कौन से ब्रिक की, स्टैंडर्ड ब्रिक या मॉड्यूलर ब्रिक, इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड ब्रिक या मॉड्यूलर ब्रिक। नेक्स्ट, व्हेन प्लेस्ड इन मशीनरी, जब ब्रिक को हम मशीनरी में प्लेस करते हैं, ब्रिक की ओरिजिनल साइज या मॉड्यूलर ब्रिक की साइज या स्टैंडर्ड साइज सब एक है, ब्रिक की या ईंट की वास्तविक साइज क्या है, वो 19x9x9 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर लेंथ, 9 सेंटीमीटर ब्रिथ एंड 9 सेंटीमीटर हाइट होती है, वो स्टैंडर्ड ब्रिक की साइज। लेकिन जब मोर्टार के साथ यूज करते हैं तो उसकी साइज 1 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाती है और वो होती है 20x20x20x10x10 सेंटीमीटर, 20×10×10 सेंटीमीटर ब्रिक की मोर्टार के साथ साइज होती है। मैसनरी वर्क में ब्रिक की साइज कितनी होगी, 20x10x10 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। और ब्रिक स्टैंडर्ड ब्रिक की अदर साइज जो जनरल ब्रिक नहीं होता है कंस्ट्रक्शन वर्क में, वो 19x9x4 सेंटीमीटर भी होती है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन जनरली एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो आप बताओगे 19x9x9 सेंटीमीटर ब्रिक की स्टैंडर्ड और मॉड्यूलर साइज होती है। इंपॉर्टेंट है ये, बिल्कुल याद कर लेना आप ये। और ब्रिक की जो कन्वेंशनल साइज होती है वो 9 x 4.5 x 3 in। ब्रिक की लेंथ 9 in के बराबर होती है लगभग, और उसकी विड्थ 4.5 in के बराबर, और उसकी हाइट 3 in के बराबर होती है। कन्वेंशनल ब्रिक क्या होता है या फील्ड ब्रिक क्या होती है, जिसको हम डायरेक्टली जो स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती है और प्लेस टू प्लेस चेंज हो सकती है इसकी साइज, इट इज़ फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड बट जनरल साइज उसकी क्या होती है, 9 in x 4.5 in 3 in इसकी साइज होती है, 9, 4.5 और 3। अब फ्रॉग क्या होता है, फ्रॉग एन आइडेंटेशन मार्क या एन इंडेंट मार्क प्लेस्ड इन द मिडिल ऑफ ब्रिक ऑन द टॉप, टॉप पर जो 1 to 2 centimeter डीप आइडेंटेशन मार्क होता है उसको हम बोलते हैं फ्रॉग। फिगर में दिखाया गया है,
क्या होता, ये क्या है, ये पोर्शन जो है ये क्या है, फ्रॉग है, ब्रिक का फ्रॉग है, दिल्ला हिंदी में जिसको बोलते हैं दिल्ला। प्रोवाइडेड फॉर 9 सेंटीमीटर हाई ब्रिक, दिल्ला किसके लिए प्रोवाइड करेंगे, जो जिस ब्रिक की साइज 9 सेंटीमीटर हाइट होगी और 9 सेंटीमीटर जिसकी विड्थ होगी, मिनिमम साइज जिसकी 9 सेंटीमीटर या 7.5 सेंटीमीटर, कन्वेंशनल ब्रिक की केस में साइज जो होती है उसकी 7.5 सेंटीमीटर के नियरली अबाउट उसकी हाइट होती है। तो इस केस में या 9 सेंटीमीटर की स्टैंडर्ड ब्रिक की केस में हम क्या प्रोवाइड करेंगे, फ्रॉग दिल्ला प्रोवाइड करेंगे। साइज ऑफ फ्रॉग क्या होता है, 10 × 4 × 1, 10 सेंटीमीटर जो होगा ये उसकी लेंथ होगी दिल्ली की, 1 to 2 सेंटीमीटर उसकी डेप्थ होगी और 4 सेंटीमीटर उसकी क्या होगी, ये विड्थ होगी क्या, दिल्ली की, जिसको दिल्ला जिसको हम बोलते हैं फ्रॉग। फ्रॉग क्यों प्रोवाइड किया जाता है, ब्रिक मेसनरी वर्क में, ब्रिक मेसनरी वर्क में यानी कि ईंट की चिनाई कार्य में बॉन्डिंग के लिए फ्रॉग प्रोवाइड किया जाता है। मोर्टार फिल करने पे ब्रिक की लेयर टू लेयर बॉन्डिंग जो है फ्रॉग के कारण होती है। ब्रिक की लेयर टू लेयर बॉन्डिंग का रीजन क्या है, वो फ्रॉग है, याद कर लेना आप बिल्कुल। अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं, यूज ऑफ ब्रिक, ब्रिक का कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल, वॉल कंस्ट्रक्शन में यूज, फ्लोर कंस्ट्रक्शन में उसका यूज होता है, आर्च कंस्ट्रक्शन में दीवार के निर्माण में, फर्श के निर्माण में, आर्च के निर्माण में, कॉर्निस के निर्माण में। कॉर्निस क्या होती है, कॉर्निस जनरली जो सनसेड होता है, जैसे ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग की ये एक्सटर्नल वॉल हो गई, इसके बाद जो सनसेड बना होता है, सनसेड के नीचे जो रेन वाटर होता है उसको ईजिली ड्रेन होने के लिए जो दीवार के माध्यम से या रूफ के माध्यम से वाल तक ना पहुँचे, इसको रोकने के लिए यहाँ पे जो एक्सटर्नल एक्सटीरियर वर्क या एक्सटर्नल ऑर्नामेंटल वर्क किया जाता है, इसी को बोलते हैं हम क्या, कॉर्निस, यही क्या है, कॉर्निस होती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेनिंग वाल, रिटेनिंग वाल के कंस्ट्रक्शन में भी ब्रिक का यूज किया जाता है, टू रिटेन द अर्थ आर सैंड आर अदर अनसपोर्टिंग मटेरियल, जो अनसपोर्टिंग मटेरियल होते हैं जिनको रिटेन करने के लिए हम रिटेनिंग वॉल का स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन करते हैं, और इसके लिए ब्रिक या स्टोन यूज किया जाता है, ब्रिक भी यूज करते हैं। मेकिंग खोवा, मेकिंग खोवा, खोवा क्या होता है, एग्रीगेट होता है, कंक्रीट कंस्ट्रक्शन में जो एग्रीगेट होता है उसी को हम बोलते हैं क्या, मेकिंग खोवा या एग्रीगेट। ब्रोकन ब्रिक ऑफ रिक्वायर्ड साइज, रिक्वायर्ड साइज में जो ब्रिक को ब्रेक कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं एग्रीगेट या खोवा, ब्रिक एग्रीगेट, इसको हम बोलते हैं क्या, ब्रिक एग्रीगेट। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सुर्खी, सुर्खी का निर्माण, सुर्खी क्या होती है, पाउडर फॉर्म ऑफ ब्रिक होता है, सुर्खी क्या होती है, पाउडर फॉर्म ऑफ ब्रिक, और इसका यूज क्या कहाँ करते हैं, लाइम प्लास्टरिंग में या लाइम कंक्रीट के कंस्ट्रक्शन में करते हैं। लाइम प्लास्टरिंग या लाइम कंक्रीट के लिए किसकी ज़रूरत होगी, लाइम मोर्टार की ज़रूरत होगी, या लाइम मोर्टार में क्या मिलाएंगे, लाइम प्लस सुर्खी मिलाएंगे और वाटर के साथ रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक, ब्रिक का क्लासिफिकेशन हमें कंप्लीट करना है। सबसे ज़बरदस्त यहाँ पे ब्रिक का क्लासिफिकेशन किया गया है, ज़्यादातर टॉपिक्स को हम कवर करेंगे इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, अदर स्टैंडर्ड या फॉरेन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग भी कुछ टॉपिक इसमें इंक्लूड किए गए हैं। क्यों इंक्लूड किए गए हैं, क्योंकि चांस हो सकता है कि आप फॉरेन जॉब में जॉब के लिए जा सकें या फॉरेन जा सकें आप सिविल इंजीनियरिंग की स्टडी या अदर वर्क के लिए, इसलिए तो थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है। बेस्ड ऑन क्वालिटी, क्वालिटी के आधार पर कौन कौन से ब्रिक में कलर, ब्रिक को कैसे क्लासिफाई किया गया, फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक, फोर्थ क्लास ब्रिक, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन दी क्वालिटी, क्वालिटी के आधार पर ये क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। फर्स्ट क्लास ब्रिक का क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, आइए हम देखते हैं। थॉरली बर्नड, ये क्या होती है, थॉरली बर्नड होती है, मतलब ये सैद्धांतिक रूप से अच्छे से पकाई हुई होती है, बर्नड का मतलब पकाई हुई होती है। डीप रेड चेरी आर कॉपर कलर, इसका कलर कैसा होता है, डीप रेड गाढ़ा लाल रंग का, चेरी कलर होता है, चेरी का मतलब लीची का जो अपर सरफेस होता है, कवर सरफेस, वैसे शेप में होती है चेरी कलर, और कॉपर कलर में भी इसका कलर होता है या कॉपर कलर में ये हो सकती है। सरफेस शुड बी स्मूथ, इसकी सरफेस स्मूथ होनी चाहिए, रेक्टेंगुलर शेप होना चाहिए, इसका शेप प्रॉपर रेक्टेंगुलर होना चाहिए, रेक्टेंगुलर ही नहीं प्रॉपर रेक्टेंगुलर। इसकी एजेस क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, पैरेलल एजेस होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए एजेस, इसकी शार्प एज होनी चाहिए, स्ट्रेट एज होनी चाहिए, इसकी एज कैसी होनी चाहिए, स्ट्रेट बिल्कुल,
स्ट्रेट होनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए और पैरेलल होनी चाहिए। ये नहीं कि ब्रेक ब्रेक ऐसा हो, ऐसे नहीं, ऐसा ब्रेक ना हो। ब्रेक हमारा कैसा होना चाहिए? बिल्कुल रेक्टेंगुलर शेप में होना चाहिए। इसकी एज पैरेलल होनी चाहिए, कर्व फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए, स्क्वायर कॉर्नर होने चाहिए। ये एक फर्स्ट क्लास ब्रेक की प्रॉपर्टीज हैं। कौन कौन सी? डीप रेड चेरी कलर होना चाहिए, कॉपर कलर होना चाहिए, सरफेस स्मूथ होनी चाहिए, रेक्टेंगुलर ब्लॉक फॉर्म में होना चाहिए, पैरेलल शेप होना चाहिए इसका, इसकी एज पैरेलल होनी चाहिए, एजेस शार्प होनी चाहिए और स्ट्रेट होनी चाहिए, साथ ही साथ कॉर्नर स्क्वायर होना चाहिए। और नेक्स्ट आता है फ्री फ्रॉम फ्लॉज, कैविटी से भी फ्री होना चाहिए, फ्लॉज से भी फ्री होना चाहिए। फ्लॉज का मतलब होता है अदर अदर अनेक्सियस, अदर अनेक्सियस मतलब असंतोष, अनसेटिस्फैक्ट्री काजेज एज एयर बबल्स, क्रैक्स, एयर बबल्स यार स्टोन, इसमें स्टोन या क्रैक्स नहीं होने चाहिए, फ्लाज नहीं होने चाहिए। फ्लाज का मतलब होता है बुदबुदा, जैसे ऊपर पे ब्रेक को देखने पे बुदबुदा टाइप में लगता है। बुदबुदा का मतलब जैसे उबलते हुए पानी में जो बुलबुला निकलता है, वैसे की बात हो रही है। दीज शुड बी हैव यूनिफॉर्म टेक्सचर, इसका टेक्सचर कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म टेक्सचर का मतलब गठन उसका जो है प्रॉपर समान होने चाहिए। नो इम्प्रेशन शुड बी लेफ्ट ऑन द ब्रिक व्हेन स्क्रैच बाई फिंगर नेल, जब इसको हम नाखून से स्क्रैच करें तो कोई इम्प्रेशन नहीं होना चाहिए। मतलब नो इम्प्रेशन का मतलब इसकी जो हार्डनेस वैल्यू होनी चाहिए वो 2.5 से ज़्यादा होगी, तभी तो इसको नेल से स्क्रैच करने पर स्क्रैच नहीं होगा इजीली, ठीक है। फ्रैक्चर्ड सरफेस टू बी शुड बी फ्री फ्रॉम लम्स ऑफ लाइम, लम्स ऑफ लाइम से फ्री होना चाहिए, इसमें लम्स ऑफ लाइम नहीं होने चाहिए। अ मेटलिक और रिंगिंग साउंड, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं क्लास, ये जो फर्स्ट क्लास ब्रेक की प्रॉपर्टीज वगैरह एसएससी जेईई मेंस में प्री में पूछे जाते हैं, और गुड बिल्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में भी ये यूज किया जा सकता है, ठीक है। जब ब्रेक को हम एक दूसरे से स्ट्रक करते हैं तो उस केस में मेटलिक और रिंगिंग साउंड निकल, धात्विक आवाज़ निकलनी चाहिए, इसमें से धात्विक ध्वनि निकलनी चाहिए। वाटर एब्जॉर्प्शन 12 से 15%, देखो जनरली 12 से 15% तो सूटेबल होता है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ब्रिक का या ईंट का जो जल अवशोषण क्षमता होनी चाहिए वो 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर उसको 24 घंटे तक वाटर में इमर्स्ड कर दिया जाए, डूबो दिया जाए। नेक्स्ट, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिक्स शुड नॉट बी लेस देन 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये। जो ब्रिक की क्रशिंग स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर से या 10 मेगापास्कल से कम नहीं होनी चाहिए, और इसको हम किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में बोलेंगे। 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए, लगभग 100 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 10 मेगा पास्कल। यूज कहाँ होता है फर्स्ट क्लास ब्रेक का, यूज कहाँ होता है देख लेते हैं। पॉइंटिंग वर्क में इसका यूज करते हैं। पॉइंटिंग वर्क का मतलब आप समझते हो, जो ब्रिक मेसनरी में जो मोर्टार लेयर होती है एक्सटर्नली, वो गुड अपीयरेंस नहीं शो करती है। उस केस में उस लेयर को स्मूथ कर देते हैं मोर्टार से, तो उसे हम बोलते हैं क्या? पॉइंटिंग। उस लेयर को फिल कर देते हैं मोर्टार से तो वो अच्छी दिखने लगती है, अपीयरेंस उसका अच्छा हो जाता है, इस उसे हम कहते हैं पॉइंटिंग। एक्सपोज्ड फेस वर्क इन मेसनरी स्ट्रक्चर, मेसनरी स्ट्रक्चर में जो एक्सपोज्ड फेसिंग वर्क है, बिल्डिंग की एक्सटीरियर वॉल्स है, फ्लोरिंग के केस में या रेनफोर्स्ड ब्रिक वॉल कंस्ट्रक्शन में, रेस्पोर्ट ब्रिक वॉल कंस्ट्रक्शन में जो है हम इसका यूज करते हैं, या फिर ब्रिक रूफिंग के रूप में यूज कर सकते हैं। ब्रिक रूफिंग का मतलब प्रबलित ईंट की छत, समझ रहे हैं आप। सेकेंड क्लास ब्रिक क्या होती है ये देखते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। ये कंपेरिजन कभी कभी पूछ सकता है, लेकिन ये जानना अति आवश्यक है। स्मॉल क्रैक्स परमिशबल होते हैं इसमें, डिस्टॉर्सन, स्मॉल डिस्टॉर्सन भी परमिशबल होता है। अ लिटिल हाइयर वाटर एब्जॉर्प्शन 16 से 20% तक, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा, उसमें मैंने 20 बताया है, जनरली 16 से 20% तक वाटर एब्जॉर्प्शन इसका परमिशबल किया जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 22% तक, 22% तक इसमें जो है परमिशबल है वाटर कंटेंट, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इसकी, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 24 घंटे तक अगर इमर्स करते हैं तो। क्रशिंग स्ट्रेंथ 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है।
सेकेंड क्लास ब्रेक की क्रशिंग स्ट्रेंथ 7 न्यूटन पर mm² से ज़्यादा ज़्यादा होनी चाहिए 7 न्यूटन पर mm² से ज़्यादा होनी चाहिए। यूज कहाँ काम करते हैं इसका? यूजेज फॉर इम्पोर्टेंट हिडन मेसनरी वर्क, हिडन मेसनरी वर्क इम्पॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट दोनों की केस में, हिडन मेसनरी वर्क जो सेल्टर्ड कंडीशन में होते हैं, मतलब जो सुरक्षित होते हैं, या इंटीरियर वर्क के लिए इसका हम यूज कर सकते हैं, इंटीरियर मेसनरी वर्क के लिए। सेंटरिंग ऑफ रेनफोर्स्ड ब्रिक, जो रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क है उसकी सेंटरिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं। और रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के लिए, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए भी RCC स्ट्रक्चर में हम इसका बैलास्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं सेकेंड क्लास ब्रिक का। थर्ड क्लास ब्रिक का कहाँ पे यूज होता है, क्या होती है इसकी प्रॉपर्टी, ये देखते हैं। लाइट कलर्ड, इसका कलर थोड़ा हल्का होता है। डल साउंड होता है, इसको स्ट्रक करते हैं जब एक दूसरे से आघात पहुंचाते हैं तो इसके साउंड डल साउंड निकलते हैं, मेटलिक साउंड नहीं निकलती। और इसमें जो साउंड निकलेगी वो थोड़ा इससे लो निकलेगी जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होगी सेकेंड क्लास ब्रिक की केस में। और बाकी सब अदर जो प्रॉपर्टी होती हैं वो फर्स्ट क्लास ब्रिक से सेकेंड क्लास ब्रिक की मिलती हैं। थर्ड क्लास ब्रिक में हमने बता दिया लाइट कलर होता है, डल साउंड होती है इसकी। वाटर एब्जॉर्प्शन 25% तक परमिसेबल है, उसमें 22% तक, इसमें 25% तक। ड्राई वेट का कप जब इसको 24 आवर तक वाटर में सबमर्स्ड कर दें या इमर्स्ड कर दें। इट इज़ यूज फॉर बिल्डिंग टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर, टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर में इसका यूज किया जाता है। किसमें यूज करेंगे हम इसका? टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में इसका हम यूज करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ क्लास ब्रिक क्या होता है? ओवरबंट एंड बैडली डिस्टॉर्टेड। ये ब्रिक क्या होती है? जनरली ओवरबंट होती है, ज़्यादा पकी हुई ईंटें होती हैं ये, बैडली डिस्टॉर्टेड, और ये बुरी तरह से डिस्टॉर्टेड हो जाती है, इसका सेप बिल्कुल बिगड़ जाता है। सेप एंड साइज आर ब्रिटल इन नेचर, इसका सेप जो होता है डिस्टॉर्टेड हो जाता है और साइज भी डिस्टॉर्टेड हो जाती है, बिल्कुल रेक्टेंगुलर फॉर्म में ये नहीं होगा, डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। ब्रिटल नेचर की ये होती है, यूज क्यों? ओवरबंट करने से ये ब्रिटल नेचर की हो जाती है। बैलास्ट ऑफ सच ब्रिक्स इज यूज फॉर फाउंडेशन, फाउंडेशन के लिए यूज फॉर फाउंडेशन, याद कर लेना आप किसके किसके लिए यूज करते हैं इसके, फाउंडेशन के लिए और लाइम कंक्रीट और रोड मेटल के लिए इसका यूज हम कर लेते हैं। जनरली रोड मेटल में खड़ंजा वगैरह लगाने में भी इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि उतनी परफेक्शन उसमें चाहिए नहीं, गाड़ी ही तो जानी है, ठीक है, व्हीकल ही इस पर मूव कराना है। ऑन द बेसिस ऑफ बिल्डिंग प्रोसेस, ये तो हो गया क्वालिटी के आधार पर, अब बिल्डिंग प्रोसेस के आधार पर हम कितने में। अंडर बंट ब्रिक, पता है क्लियर है नाम से कि ये कम पकी हुई ईंटें होती हैं। हाफ बंट ब्रिक, ये आधा पकी हुई होती है, कलर इज येलो, इसका कलर जो है येलो होता है, पीला रंग होता है इसका। लो स्ट्रेंथ होती है, सुर्खी निर्माण में इसका यूज किया जाता है, लाइम टेरेसिंग में इसका यूज किया जाता है। सोलिंग अंडर RCC के नीचे, RCC का वर्क है कोई, उसके नीचे जो है सोलिंग या फुटिंग के लिए यूज करते हैं, फुटिंग या बेसमेंट में हम यूज करते हैं। अंडर ब्रंट ब्रिक, अंडर बंट ब्रिक या अनबंट ब्रिक होती है, ये हाफ बंट होती है, आधा पकी हुई होती है। बंट ब्रिक क्या होती है? जो अच्छी तरह से पकी हुई होती है। ये किसके आधार पे है? बिल्डिंग प्रोसेस या बर्निंग प्रोसेस के आधार पर कर सकते हैं इसको हम, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बर्निंग प्रोसेस। बंट ब्रिक आर मेड बाई बर्निंग देम इन किल्न, ये किल्न में अच्छी तरह से पकाई जाती है, किल्न मतलब भट्ठी या भट्ठा में। पर फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकेंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक, ये सब इसके क्या है एग्जाम्पल है बंट क्ले ब्रिक के। ओवर बंट आर झामा ब्रिक, ओवर बंट या झामा ब्रिक क्या होती है? विट्रीफाइड ब्रिक, इट इज आल्सो विट्रीफाइड ब्रिक, ये ज़्यादा पकी हुई ईंटें होती हैं, इसको हम जनरली झामा ब्रिक बोलते हैं। हाई टेम्परेचर रेजिस्टिव होती है, फायर्ड एट हाई टेम्परेचर, ये ज़्यादा टेम्परेचर पर पकी होती है। डिस्टॉर्टेड शेप होता है, इसका शेप जो होता है डिस्टॉर्टेड होता है। एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी हाई होती है इसकी, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी हाई होती है, क्यों? ज़्यादा पकने की वजह से इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा हो सकती है। हायर आर इक्विवेलेंट टू फर्स्ट क्लास ब्रिक, फर्स्ट क्लास ब्रिक के ये लगभग बराबर इसकी जो है स्ट्रेंथ होती है। यूज्ड एज लाइम कंक्रीट, लाइम कंक्रीट के लिए इसका यूज किया जाता है। फॉर फाउंडेशन, फाउंडेशन में लाइम कंक्रीट के लिए ये यूज कर सकते हैं। यूज्ड एज कोर्स एग्रीगेट, और कोर्स एग्रीगेट के फॉर्म में भी हम इसका यूज करते हैं। कहाँ कहाँ यूज होता है याद कर लेना, ओवरबंट का लाइम कंक्रीट में, फाउंडेशन वर्क में, यूज्ड एज कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट में यूज कर सकते हैं, जो फाउंडेशन के बेस प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं लाइम कंक्रीट के फॉर्म में। ये हो गया ओवरबंट का या झामा ब्रिक का यूज।
क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के आधार पर ये देखो इंडियन स्टैंडर्ड जो है IS 1077 IS के अकॉर्डिंग, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ब्रिक को हम क्लासिफाई करते हैं। कैसे? एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी क्लास को शो करती है, जैसे 35 मतलब उसकी एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होगी वो 35 होगी, मतलब तीन ब्रिक को अगर टेस्ट किया जाएगा तो उसकी एवरेज 35 होगी। इसी तरह 30, 25, 20, 17.5, 15, 12.5, 10, 7.5, 5, 3.5, ये तीन चार क्लासेस ऑफ ब्रिक ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू IS 1077। कभी कभी पूछ देगा कि कोड क्या है, कौन सा कोड है स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के आधार पर ब्रिक के क्लासिफिकेशन में, यह है IS 1077। द बंट क्ले ब्रिक हैविंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मोर देन 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये कंपटीशन में कभी पूछ सकता है, अभी तक तो नहीं पूछा है जनरली। जो बंट क्ले होती है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा होनी चाहिए, नोन एज हैवी ड्यूटी ब्रिक। मतलब जो बंट क्ले ब्रिक जिसकी 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है उसको हैवी ड्यूटी ब्रिक बोलते हैं, मतलब वो उत्तम कार्यों में यूज किया जाता है। जैसे हैवी ड्यूटी स्ट्रक्चर सच एज ब्रिज, ब्रिज के लिए इसका यूज करते हैं। हैवी ड्यूटी ब्रिक क्या होती है? जिसकी स्ट्रेंथ 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा होगी, बिल्कुल याद कर लेना। ये पूछा जाएगा IAS में, पूछा जाएगा गेट में, पूछा जाएगा SSJEE में भी पूछ सकता है क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। अब देखते हैं हैवी ड्यूटी स्ट्रक्चर के लिए, जैसे ब्रिज कंस्ट्रक्शन में, फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन में, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, याद कर लेना आप, ब्रिज में, फाउंडेशन में, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, और साथ ही साथ लेस वाटर एब्जॉर्प्शन स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर जिसके लिए लेस वाटर एब्जॉर्प्शन चाहिए उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। और इसका वाटर एब्जॉर्प्शन 5% से क्या होगा, कम होगा, 5% से कम। ईच क्लास ऑफ ब्रिक आर फर्दर क्लासिफाइड इंटू सब क्लास ए एंड बी, सब क्लास ए और बी में उसको क्लासीफाई किया गया, जितने भी ये स्ट्रेंथ के आधार पर हैं इसको फर्दर ए बी में क्लासीफाई किया गया। ये कैसे क्लासीफाई किया? बेस्ड ऑन टॉलरेंस ऑफ सेब, सेब में टॉलरेंस के आधार पर ए और बी में क्लासीफाई किया गया। जो ए ब्रिक होगी वो स्मूथ और रेक्टेंगुलर फेस और शार्प कॉर्नर और यूनिफॉर्म कलर वाली होगी, कौन कौन से में, स्मूथ रेक्टेंगुलर शेप होगा, शार्प कॉर्नर होगा, यूनिफॉर्म कलर होगा, ठीक है। और इस ये सब क्लास ए में आएंगी, इसके बाद ये सब क्लास ए में आएंगी और यही सब क्लास बी में आएंगी, कब, जब हल्का सा डिस्टॉर्टेड हो शेप और राउंडेड एज हो तो, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अब आती है बात मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, उसकी मोल्डिंग वगैरह या फिर जैसे भी हो उस केस में कैसे होता है। एक्सट्रूडेड ब्रिक क्या होती है? बाई फोर्सिंग क्ले एंड वाटर इंटू स्टील डाई में, फोर्सिंग ऑफ क्ले एंड वाटर, वाटर और क्ले का जो मिक्सचर होता है उसको स्टील डाई होता है उसमें फोर्स करने के बाद या प्रेशर से प्रिपेयर किया जाता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं प्रेशराइज्ड ब्रिक भी बोल सकते हैं या एक्सट्रूडेड ब्रिक। विथ वेरी रेगुलर शेप, इसका शेप रेगुलर होगा, साइज भी रेगुलर होगी, कटिंग द रिजल्टिंग कॉलम इंटू शॉर्टर यूनिट्स विथ वायर्स। हाँ देखिए, इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पैसे से होती है, प्रेशर से जब अर्थ ये ब्रिक अर्थ जो होती है प्लास्टिक कंडीशन में वो बाहर निकलती है, तो उसको हम जो है ऐसे ब्रिक अर्थ का शेप जो बाहर निकला है ऐसे लॉन्ग फॉर्म में, इसको हम जो स्टील वायर होगा उससे अलग करते हैं और बनता है एक एक पार्ट, एक ब्रिक, दो ब्रिक, तीन, चार, ऐसे मतलब बनता जाता है। इट हैज़ 3 or 4 holes कॉन्स्टिट्यूटिंग अप टू 25% वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक, इसमें 3 or 4, 25% तक वॉल्यूम से रिस्पेक्ट में 25% तक वायर्स हो सकते हैं, 3 or 4 नंबर्स में होल्स हो सकते हैं इसमें 25% वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। ब्रिक के टोटल वॉल्यूम का 25% तक नंबर्स ऑफ 3 or 4 holes पाए जा सकते हैं, मतलब होल 3 or 4 ही होंगे और वो 25% तक लिमिटेड होंगे, ठीक, बिल्कुल क्लियर। एक्सट्रूडेड ब्रिक क्या होता है? पूछा नहीं है, पूछ सकता है लेकिन जानना तो हमारा फर्ज है ना, ठीक। अब मोल्डेड ब्रिक की बात करते हैं, मोल्डेड ब्रिक क्लियर है, ये मोल्ड क्या होता है, जिसमें ब्रिक अर्थ को प्लास्टिक कंडीशन में
प्रॉपर शेप और साइज प्रोवाइड किया जाता है। वो डिवाइस होती है मोल्ड, जिसमें हम ब्रिक को प्रॉपर शेप या साइज प्लास्टिक के सेट में प्रोवाइड करने के लिए क्या करते हैं, हम यूज करते हैं उस डिवाइस का, उसे हम बोलते हैं मोल्ड। मोल्डेड ब्रिक्स बिटवीन 50 to 65 mm अवेलेबल इंस्टेंट। अब जो मोल्डेड ब्रिक होती है वो 50 to 65 mm साइज, मतलब उसकी हाइट जो मिनिमम इतनी होनी चाहिए, उससे कम में मोल्ड करेंगे तो हो सकता है जब हम फील्ड पे उसको पुट करें तो टूट सकती है, ब्रेक हो सकती है। सेप आर अवेलेबल इन 6 to 8 weeks आफ्टर द ऑर्डर। जनरली ये इस साइज मोल्डेड ब्रिक को मतलब ख़रीदने के लिए या मंगाने के लिए ऑर्डर करना पड़ता है 6 to 8 weeks पहले। हाँ सही है, अगर इसके पास स्टॉक है तो दे देगा आप, नहीं तो पहले ऑर्डर करना पड़ेगा। ड्राई प्रेस्ड ब्रिक, इस टाइप के ब्रिक में क्या होता है, ब्रिक को ड्राई कंडीशन में प्रेस करके प्रिपेयर किया जाता है। कंप्रेसिंग क्ले इनटू मोल्ड्स, मोल्ड्स में क्ले को, ब्रिक क्ले को कंप्रेस करके प्रिपेयर किया जाता है ड्राई प्रेस्ड ब्रिक को। हैज डीप फ्रॉग, इसमें फ्रॉग क्या होते हैं, डीप होते हैं। वन बेडिंग सरफेस, एक बेडिंग सरफेस इसमें होती है। सैलो फ्रॉग इन अनदर केस में सैलो फ्रॉग भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक बेस्ड ऑन दी रॉ मटेरियल के आधार पर ब्रिक का क्लासिफिकेशन। बंट क्ले ब्रिक क्या होती है, बंट क्ले ब्रिक का मतलब हो गया पकी हुई मृतिका में ईंट। मोस्ट यूज ब्रिक, ये सबसे ज़्यादा यूज होती है। ये रॉ मटेरियल, कौन सा रॉ मटेरियल ब्रिक कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं उसके आधार पर क्लासिफिकेशन है। जैसे प्योर क्ले यूज कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे बंट क्ले ब्रिक बोलेंगे। ये ज़्यादातर यूज की जाती है इंडिया में, और अदर जगह में भी यही ज़्यादातर यूज की जाती है, और वहाँ कैसे क्ले है इसके अकॉर्डिंग हो सकता है, ज़रूरी नहीं है वो बंट क्ले ब्रिक ही हो। रिक्वायर प्लास्टरिंग, प्लास्टरिंग में इसका यूज होता है, यूज इन कंस्ट्रक्शन वर्क, और जनरली इसको कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज करते हैं। फ्लाई एस क्ले ब्रिक, हाँ ये जी है, फ्लाई एस क्ले ब्रिक। इसमें क्या होता है, फ्लाई एस और क्ले का मिक्सचर होता है, इसको मोल्ड करके प्रिपेयर की जाती है। कब तक, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्लाई एस और क्ले को मिक्स करके प्रिपेयर की जाती है ये सब ब्रिक। जैसे फ्लाई एस और क्ले को प्रिपेयर करके मोल्डिंग करेंगे प्लास्टिक स्टेज में, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी बर्निंग कर देंगे, ब्रिक हमारी फ्लाई एस क्ले ब्रिक प्रिपेयर हो गई, तैयार हो गई। अब हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। हाई वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फ्लाई एस, फ्लाई एस के कारण इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा वॉल्यूम होगा। ठीक है, दैट इज वाई यूजुअली डिस्क्राइब्ड एज सेल्फ सीमेंटिंग, इसमें सेल्फ सीमेंटिंग प्रॉपर्टी आ जाती है। कैल्शियम ऑक्साइड नहीं, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें ज़्यादा चूना होगा, कैल्शियम ऑक्साइड होगा, इसलिए इसको सेल्फ सीमेंटिंग ब्रिक भी कह सकते हैं। क्या, फ्लाई एस या क्ले ब्रिक को सेल्फ सीमेंटिंग ब्रिक भी कह सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंड्स यूजुअली एक्सपेंड्स, क्यों, फ्लाई एस के कारण ये ज़्यादातर क्या होती है, प्रसारित होती है। लेस पोरस, ये कम प्रेशर, कम पोरस होती है, मतलब इसमें सरंध्रता कम होती है। देन क्ले ब्रिक, क्ले ब्रिक के रिस्पेक्ट में इसकी सरंध्रता कम होती है। स्मूथ सरफेस होती है, डज नॉट नीड प्लास्टरिंग, इसमें प्लास्टरिंग की आवश्यकता नहीं होती, क्यों, क्योंकि इसकी सरफेस क्या होती है, स्मूथ होती है। नेक्स्ट, कंक्रीट ब्रिक, कंक्रीट ब्रिक का यूज, लीस्ट यूज्ड ब्रिक, ये कम यूज की जाती है, लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। इस ब्रिक की मोल्डिंग जो कंक्रीट प्लास्टिक स्टेट में होती है उसको मोल्ड करके बनाया जाता है। दिस ब्रिक आर यूज्ड अबव एंड बिलो डीपीसी डैम प्रूफिंग कोर्स के ऊपर या नीचे, इस ब्रिक का हम यूज कर सकते हैं। दे आर बिकॉज ऑफ देयर साउंड रिडक्शन, ये साउंड रिडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स रखती हैं, जो कंक्रीट ब्रिक होती हैं वो साउंड रिडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स रखती हैं। हीट रेजिस्टेंस क्वालिटी होती है, कंक्रीट की जो होती है वो हीट रेजिस्टेंस क्वालिटी के कारण डीपीसी वर्क में हम इसका यूज कर सकते हैं। मोर्टार ब्रिक, इसको हम मोर्टार ब्रिक भी बोलते हैं, याद कर लेना, कंक्रीट ब्रिक को हम मोर्टार ब्रिक भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि सीमेंट कंक्रीट एक तरीके से मान सकते हैं एग्रीगेट के साथ यूज्ड मोर्टार है, और इसी की मोल्डिंग से ब्रिक, कंक्रीट ब्रिक बनाई जाती है। नेक्स्ट, सैंड लाइम ब्रिक, ये सब मटेरियल के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है। सैंड लाइम ब्रिक क्लियर है, सैंड का यूज करेंगे, फ्लाई एस का यूज करेंगे और लाइम का यूज करेंगे, इन सब के मिक्सचर से ये प्रिपेयर की जाती है। ठीक है,
ड्यूरिंग वेट मिक्सिंग अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। हाँ, अगर हम इसकी वेट मिक्सिंग करते हैं तो केमिकल रिएक्शन प्लेस करता है या केमिकल रिएक्शन यहाँ पे होता है जो बॉन्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। सैंड लाइम ब्रिक की केस में जब वेट मिक्सिंग करेंगे तो इसकी बॉन्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी। कलर कैसा होता है इसका? ग्रेइश कलर होता है। समटाइम्स एस्थेटिक व्यू प्रोवाइड करता है, ऑफर समथिंग ऑफ एन एस्थेटिक व्यू। अच्छा खासा एस्थेटिक व्यू ये प्रोवाइड करता है। कौन? सैंड लाइम ब्रिक। अच्छा खासा एस्थेटिक व्यू प्रोवाइड करता है। यूनिफॉर्म अपीयरेंस होता है, इसलिए एक्सटीरियर वर्क में इसका यूज करना अच्छा है। देखिए आगे यूज दिखाएगा। देन क्ले ब्रिक। क्ले ब्रिक के रिस्पेक्ट में ये यूनिफॉर्म अपीयरेंस शो करता है। अपीयरेंस का मतलब दिखावट या कैसा दिखता है वो। ठीक है, अब लोड बियरिंग मेंबर्स में यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, फायर ब्रिक। फायर ब्रिक क्या होगा? इसको हम रिफ्रैक्टरी ब्रिक भी कहते हैं। रिफ्रैक्टरी ब्रिक, इसकी जो है हीट रेजिस्टिंग कैपेसिटी प्रॉपर होती है और ये ज़्यादा टेम्परेचर पे बर्न किया जाता है। ये ब्रिक को प्रिपेयर करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। ठीक है, स्पेशली डिजाइन अर्थ से ये बनाया जाता है। रिफ्रैक्टरी ब्रिक जो है स्पेशली डिजाइन अर्थ से बनाया जाता है। कैन विद स्टैंड वेरी हाई टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर पे ये विद स्टैंड कर सकता है, हमने बता दिया है। यूज कहाँ कहाँ होता है ये इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्टरी ब्रिक का यूज कहाँ कहाँ होता है ये जरूरी है। लाइनिंग ऑफ चिमनी, चिमनी की लाइनिंग में इसका यूज होता है। क्लियर, चिमनी की लाइनिंग में और फर्नेस की लाइनिंग में यूज होता है इसका। क्यों? क्योंकि चिमनी और फर्नेस में इसका टेम्परेचर होता है वो हाई होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक बेस्ड ऑन दी यूजिंग लोकेशन, लोकेशन के आधार पर अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग ब्रिक होती है, यूज की जाती है। ठीक है, फेसिंग ब्रिक। हाँ, नाम से क्लियर है, फेसिंग पर्पज में, बिल्डिंग की फेसिंग पर्पज में, बिल्डिंग के सामने जो ब्रिक यूज की जाती है, सामने के कंस्ट्रक्शन वर्क में, उसको फेसिंग ब्रिक बोलते हैं। नोन एज फेसिंग द फेस्ड मटेरियल आर एनी बिल्डिंग इन एनी बिल्डिंग इज कॉल्ड फेसिंग। जो फेस मटेरियल में यूज किया जाता है ब्रिक के रूप में, उसे हम फेसिंग ब्रिक कहते हैं। फेसिंग ब्रिक आर स्टैंडर्ड साइज, ये स्टैंडर्ड साइज में होती है, स्ट्रॉन्गर देन अदर ब्रिक। अदर ब्रिक के रिस्पेक्ट में ये मजबूत होती है, हैवी, बेटर ड्यूरेबिलिटी, इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी खासी होती है। रेड ब्राउन सेडेड शेप में हो सकती है, रेड एंड ब्राउन सेडेड शेप में, इस मतलब लाल और भूले छायामय रूप में हो सकती है, छायामयी रंग के रूप में हो सकती है। एस्थेटिक लुक आउट टू बिल्डिंग, बिल्डिंग के एस्थेटिक लुक प्रोवाइड करती है ये, मतलब बिल्डिंग अच्छा दिखे, सुंदर दिखे, आकर्षक दिखे, इसके लिए हम फेसिंग ब्रिक का यूज करते हैं। फेसिंग ब्रिक शुड बी वेदर रेजिस्टिव, कैसी होनी चाहिए? वेदर रेजिस्टिव, पता है क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल वर्क में इसका यूज हो रहा है, फेसिंग के लिए यूज हो रहा है, तो डायरेक्ट वाटर, एयर और एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट होगा, इसलिए इसको हम वेदर रेजिस्टेंट होना अति आवश्यक है। यूज्ड ऑन एक्सटीरियर वॉल, बाउंड एक्सटीरियर वॉल में इसका यूज करेंगे। बैकिंग ब्रिक, बैकिंग ब्रिक क्या होता है? दिस इज नॉट स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक, ये स्पेशल फीचर्स नहीं रखती हैं, जस्ट यूज्ड बिहाइंड द फेसिंग ब्रिक। जो फेसिंग ब्रिक होती है उसके पीछे यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? फेसिंग ब्रिक को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, टू प्रोवाइड सपोर्ट टू फेसिंग ब्रिक। फेसिंग ब्रिक को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक बेस्ड ऑन द वेदर रेजिस्टेंस और वेदर रेजिस्टिंग कैपेबिलिटी, वेदर रेजिस्टिंग कैपेसिटी के आधार पर। सीवर वेदर ग्रेड, मतलब पता है, क्लियर है कि सीवर इन्वायरमेंट में भी इसे अच्छे से यूज कर सकते हैं, ये ज़्यादा वेदर रेजिस्टिंग नेचर की होती हैं। दिस टाइप ऑफ ब्रिक आर यूज इन कंट्रीज विच आर कवर्ड इन स्नो मोस्ट, ज़्यादातर जहाँ पे, जिन देशों में ज़्यादातर स्नो पड़ती हो, मतलब जहाँ पर ज़्यादातर जो है बर्फ गिरती हो, उस केस में हम क्या करें, सीवर वेदर ग्रेड की ब्रिक यूज करेंगे। सीवर वेदर ग्रेड, देखो अगर नहीं पता रहेगा आपसे पूछ देगा, सीवर वेदर ग्रेड इज यूज इन मॉडरेट कंडीशन, सीवर कंडीशन, किस कंडीशन में यूज करते हैं, तो सीवर वेदर ग्रेड सीवर कंडीशन में यूज होगा, ज़्यादातर स्नो मोस्ट हो या कोस्टल एरिया की कंडीशन में हो, उस केस में हम यूज कर सकते हैं। दिस ब्रिक्स आर रेजिस्टेंस एनी काइंड ऑफ फ्रीज एंड थावींग एक्शन, इसका जो फ्रीजिंग एंड थावींग एक्शन होता है इस ब्रिक में कम होता है, मतलब ज़्यादा रेजिस्टिव होती है। इंपॉर्टेंट है फ्रीजिंग एंड थावींग, हमने बताया स्टोन के लेक्चर में, बाद में आप हमारे वीडियो लेक्चर के लास्ट में कमेंट कर देंगे तो, हाँ अगर कोई प्रॉब्लम हो तो लेक्चर के लास्ट में आप कमेंट कर दिया करो, हम उस पर वीकली
वीक के लास्ट में एक टॉपिक मतलब एक सेपरेट वीडियो लेक्चर प्रिपेयर करके आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मॉडरेट वेदर ग्रेट टाइप ब्रेक, मतलब इसका जो वेदर रेजिस्टिंग कैपेसिटी होगी वो मॉडरेट होगी। कैन विदस्टैंड एनी हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर पे विदस्टैंड हो सकता है। ट्रॉपिकल कंट्रीज में यूज किया जाता है, ट्रॉपिकल कंट्रीज, ठीक है। नो वेदर ग्रेड मतलब ये ज़्यादा वेदर रेजिस्टिव नहीं होती है, इन्वायरमेंट इफेक्ट इस पर हो सकता है। यूज ऑन इनसाइड वर्क्स, इनसाइड वॉल के कंस्ट्रक्शन में यूज होता है इसका। डो नॉट हैवी एनी वेदर रेजिस्टिंग कैपेसिटी, मतलब इसके पास वेदर रेजिस्टिंग कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक बेस्ड ऑन दियर यूजिंग, यूज के आधार पर। लंबा लेक्चर है बिल्कुल ये, क्योंकि मैं कोई टॉपिक छोड़ नहीं रहा हूँ। कोई भी क्लासिफिकेशन, यहाँ तक कि एसके डोगल में भी ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं दिया गया है। मैंने कोशिश की है पूरी, कुछ कंटेंट एसके डोगल से, कंटेंट तो मुझे लेना ही है कहीं ना कहीं से, चाहे कुछ भी हो, एसके डोगल से मैंने लिया है, विकिपीडिया से लिया है, पीडीएफ से लिए हैं, नेट से, गूगल क्रोम से लिया है, मतलब सब सर्च करके मैंने ये लेक्चर प्रिपेयर किया है। अब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूजिंग, यूज के आधार पर। कॉमन ब्रेक जनरली यूज की जाती है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड, ठीक। लो रेजिस्टेंस इसको होता है, इसका लो क्वालिटी होती है इसकी, अदर स्टैंडर्ड ब्रेक के रिस्पेक्ट में लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है इसकी। यूज्ड इन इंटीरियर वर्क, इंटीरियर वर्क में इसका यूज होता है। इंजीनियरिंग ब्रेक क्या होती है, ये स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाई जाती है। हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी होती है, लो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है इसकी, नॉर्मल वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है, ठीक है। जो कॉमन ब्रेक है उसकी नॉर्मल वाटर, और इंजीनियरिंग ब्रेक की लो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है। नोन फॉर मैनी रीजन्स, ये बहुत रीजन के कारण जानी जाती है। स्पेशल केस में स्पेशल तरह से प्रिपेयर किया जाता है इसे, इसलिए ये ज़्यादातर इंजीनियरिंग वर्क में यूज होती हैं। गुड लोड बेयरिंग कैपेसिटी होती है इसकी, स्ट्रॉन्ग एंड डेंस नेचर की होती है। केमिकल रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है इसमें, DPC, डैम प्रूफिंग नेचर की होती है। डैम प्रूफिंग नेचर का मतलब सीलन रोधी होती है, और केमिकल प्रतिरोधी नेचर की होती है। अच्छी खासी इसकी स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, और वाटर एब्जॉर्प्शन भी इसका कम होता है। कौन कौन से नेचर में आते हैं, यूनिफॉर्म रेड कलर में ये होती है। कौन कौन से होते हैं इसके क्लासिफिकेशन, क्लास ए नेचर में, क्लास बी में, क्लास सी में क्लासिफाई किया है। क्लास ए इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, बस क्लास बी से ज़्यादा क्लास ए स्ट्रॉन्गर होता है, लेकिन बी ज़्यादातर यूज होता है, ठीक है। ए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन बी ज़्यादातर यूज किया जाता है। नेचर इसका कारण क्या है, इजीली प्रिपेयर किया जा सकता है, ज़्यादा प्रिकॉशन की ज़रूरत नहीं होती है प्रिपेरेशन के दौरान, नॉर्मल कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए इसको मोस्टली यूज किया जाता है। इंडिया में कंस्ट्रक्शन वर्क मोस्टली नॉर्मल टाइप के ही देखे जाते हैं, मेनली वॉल कंस्ट्रक्शन में, DPC डैम प्रूफिंग कोर्स कंस्ट्रक्शन में इंजीनियरिंग ब्रेक का यूज होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेक बेस्ड ऑन सेप, सेप के आधार पर हम ब्रेक का क्लासिफिकेशन। बोल नोज ब्रेक, ये क्या होगा, राउंडेड एंगल सेप में होंगी। इसका मोल्डिंग कैसे की जाएगी, इसकी मोल्डिंग करते टाइम इसका सेप राउंडेड होगा, ठीक है। ये राउंडेड सेप में बुल नोज ब्रेक, बुल नोज, बुल मतलब भैंसे की नाक के आकार में, भैंसे या गाय की जो नाक होती है वो मोल्डेड सेप में होती है, ऐसी ही होती है, इसीलिए इसको बुल नोज ब्रेक बोलते हैं। यूज कहाँ किया जाता है, राउंडेड कोन, मतलब कॉर्नर राउंडेड शेप में प्रिपेयर करने के लिए बुल नोज ब्रेक का यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये। एयर ब्रेक का यूज कहाँ करते हैं, एयर ब्रेक क्या होता है, एयर सर्कुलेशन को प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। कंटेंस होल टू सर्कुलेट एयर, इसमें होल्स होती हैं एयर को सर्कुलेट करने के लिए। यूज ऑन सस्पेंडेड फ्लोर्स एंड कैविटी वाल्स, कैविटी वाल में और सस्पेंडेड फ्लोर के केस में इसका यूज किया जाता है। चैनल ब्रिक्स क्या होते हैं, बिल्कुल ईजी है यार, सेफ ऑफ गटर और चैनल के फॉर्म में ये मोल्ड की जाती हैं। ये ब्रिक जो होती हैं, गटर का मतलब नाला, चैनल नहर, नहर के सेप के अकॉर्डिंग ये जो है मोल्ड की जाती हैं ये ब्रिक। यूज्ड इन ड्रेन्स, नालियों में इसका यूज किया जाता है, ड्रेन कंस्ट्रक्शन में इसका यूज किया जाता है। कोपिंग ब्रिक क्या होता है, कोपिंग क्या होती है हमने बता दिया, राउंडेड शेप में ये होती है। चैम्फर्ड, सेडलबैक एंगल्ड, राउंडेड शेप में होगी। चैम्फर्ड का मतलब आप समझ रहे हो, ये ऐसे फॉर्म में हो सकती है, अच्छे से मैं बताता हूँ, ये ब्रिक है ये ऐसे, तो ये चैम्फर्ड, चैम्फर शेप में हो सकती है, ये हो गया चैम्फर्ड।
या फिर राउंडेड शेप में हो सकती है या फिर एंगल शेप में हो सकती है ऐसे, ठीक है। इसलिए हम इसको कोपिंग ब्रिक बोलते हैं। कोपिंग क्या होती है जनरली, एक कोपिंग का मतलब होता है कि हमारा जो है ये वॉल है, ये एक्सटर्नल वॉल है, ये सनसेड है। इस केस में यहाँ पे जो हम प्लास्टरिंग के ड्यूरिंग जो वर्क करते हैं वो क्या हो गया, कॉर्निस वर्क हो गया, कॉर्निस हो गया। लेकिन यहीं पे हम अलग से ब्रिक ऐसे जोड़ दें, डाउनवर्ड पोर्शन कुछ हो कुछ अपर पोर्शन हो, तो उसको हम बोलेंगे कोपिंग। काउ नोज ब्रिक, काउ नोज ब्रिक क्या होती है, ये डबल बोल नोज ब्रिक भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, डबल बोल नोज ब्रिक। जैसे सिंगल बोल नोज ब्रिक में क्या होगा, ये पोर्शन होगा, और डबल बोल नोज ब्रिक में दोनों तरफ क्या होगी, बोल शेप में उसका होगा, ये कर्व शेप में होगा, ठीक है। इसीलिए इसको काउ नोज ब्रिक बोलते हैं। कैपिंग ब्रिक बिल्कुल आ गया, कोपिंग और कैपिंग डिफरेंट है, मैंने बताया कैपिंग और कोपिंग बिल्कुल डिफरेंट है। कैपिंग ब्रिक क्या होता है ये देख लेते हैं। यूज टू कैप टॉप ऑफ पैरापिट वॉल या फ्री स्टैंडिंग वॉल, फ्री स्टैंडिंग वॉल जो भी होगी, जैसे कोई चार दीवारी है, ठीक है, इस चार दीवारी को सेव करना है रेन के इफेक्ट से, वाटर के इफेक्ट से, तो उस केस में हम कोपिंग करते हैं, ब्रिक की कोपिंग करते हैं। डिफरेंट शेप में ये होती है, रिक्वायर्ड शेप में हम जैसी पैरापिट वॉल की कैपिंग करते हैं, करनी हो वैसे हम इसकी मोल्डिंग करते हैं, उस साइज में हम इसे उस शेप में उस साइज में प्रिपेयर करते हैं। इसलिए इसको हम पैरापिट कैपिंग वाल भी कहते हैं, या फ्री स्टैंडिंग वाल कैपिंग ब्रिक कहते हैं, ठीक है। ब्रिक विनियर्स क्या होता है, दीज ब्रिक्स आर थिन, पतली होती हैं ये ब्रिक, यूज फॉर क्लैडिंग, क्लैडिंग के लिए यूज किया जाता है। क्लैडिंग का मतलब दो लेयर्स हो है किसी कंस्ट्रक्शन मटेरियल की, इसको क्लैड करने के लिए, छोड़ने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इसको हम क्लैडिंग ब्रिक भी बोलते हैं, या फिर हल्की पतली लेयर बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है, क्लियर। अब कर्व्ड सेक्टर ब्रिक्स पता है, कर्व्ड सेक्टर ब्रिक का क्या होगी, कर्व शेप में होगी, आर्क कंस्ट्रक्शन और पेमेंट कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, इंपॉर्टेंट है, देखिए बिल्कुल ये सब। हॉलो ब्रिक, हॉलो ब्रिक क्या होती है, दिस ब्रिक आर 1/3 ऑफ पाई वेट, ये नॉर्मल ब्रिक की 1/3 होती है, वेट में नॉर्मल ब्रिक की 1/3 होती है, नॉर्मल ब्रिक के वेट का 1/3 भाग होता है इस ब्रिक का, हॉलो ब्रिक का, ठीक है। आल्सो कॉल्ड सेलुलर आर कैविटी ब्रिक, इसको सेलुलर या कैविटी ब्रिक भी बोलते हैं। देयर थिकनेस इज 20-25 mm, इसकी मोटाई जो है 20-25 mm रखी जाती है। क्विकर कंस्ट्रक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है, क्विक कंपेयर टू नॉर्मल ब्रिक, नॉर्मल ब्रिक में ये नॉर्मल ब्रिक के रिस्पेक्ट में ये कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए क्विक होता है, ठीक है। यूज फॉर पार्टीशन, हाँ ये वेट में 1/3 होता है नॉर्मल ब्रिक का, इसलिए इसको हम पार्टीशन वाल में यूज करते हैं, हॉलो ब्रिक का यूज पार्टीशन वाल में किया जाता है। पेविंग ब्रिक नाम से क्लियर है, पेविंग कंस्ट्रक्शन के लिए या पेव कंस्ट्रक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। गुड अमाउंट ऑफ आयरन, इसमें आयरन का अमाउंट ज़्यादा होता है, आयरन के अमाउंट के कारण इस ब्रिक में जो है हार्डनेस ज़्यादा हो जाती है, इसलिए इसको आयरन विट्रीफाइज ब्रिक भी बोल सकते हैं, आयरन विट्रीफाइज ब्रिक बोल सकते हैं। लो टेम्परेचर पर आयरन का विट्रीफिकेशन हो जाता है, जब इसकी बर्निंग करेंगे तो लो टेम्परेचर पर आयरन का विट्रीफिकेशन होगा, हार्डनेस होगी, बैंडिंग प्रॉपर्टी अच्छी हो जाएगी इसकी, ठीक है, और साथ ही साथ जो है फ्यूल कंजम्पशन भी कम होगा। कहाँ कहाँ पे यूज होता है ये कंपलसरी है, पेविंग ब्रिक का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, गार्डन में यूज करेंगे, पार्क में यूज कर सकते हैं, और पेमेंट में यूज कर सकते हैं। गार्डन में कहाँ और पार्क में कहाँ, गार्डन और पार्क में फ्लोरिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेस स्लिपरी नेचर की ये होती है, कैसी होती है, लेस स्लिपरी नेचर की होती है, और ट्रैफिक लोड को बेयर करने की इसमें कैपेसिटी होनी चाहिए। परफोरेटेड ब्रिक क्या होगी, कंटेन सिलेंड्रिकल होल्स, इसमें क्या होंगे, परफोरेटेड ब्रिक में ब्रिक के 1 face to 2 बैक फेस, मतलब ब्रिक के दोनों फेस में आगे से लेके पीछे तक पूरी थिकनेस तक उसमें क्या सिलेंड्रिकल होल्स होंगे, ठीक है। लाइट इन वेट, वेट में ये लाइट होगा, ठीक है, ईजिली प्रिपेयर किया जा सकता है। लेस क्ले इसमें कंज्यूम होगी, क्यों, क्योंकि ये परफोरेटेड है।
शेप राउंडेड हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, जैसा चाहे उस शेप में हम मोल्ड कर सकते हैं इसको। लाइट वेट में, लाइट वेट पैनल कंस्ट्रक्शन में, क्यों? जो पैनल कंस्ट्रक्शन वर्क होगा या फ्रेम टाइप स्ट्रक्चर होगा, मल्टी स्टोरी फ्रेम टाइप स्ट्रक्चर होगा, उसमें हम परफोरेटेड ब्रिक का यूज करेंगे। कहाँ कहाँ पे यूज होगा परफोरेटेड ब्रिक का? कंस्ट्रक्शन ऑफ पैनल, पैनल के कंस्ट्रक्शन में, पार्टीशन वाल के में भी, कंस्ट्रक्शन में भी यूज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर जैसे फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में यूज़ कर देंगे या मल्टी स्टोरी कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे, ताकि उसका जो डेड लोड हो वो कम हो। ठीक। पर्पज मेड ब्रिक्स, स्पेसिफिक पर्पज के लिए इसका हम यूज करते हैं। पर्पज मेड ब्रिक, स्पेसिफिक पर्पज के लिए ये ब्रिक बनाई जाती है, नाम से ही क्लियर है। ठीक है, इसको हम इंजीनियरिंग ब्रिक बोल सकते हैं। ठीक है, मेड फॉर सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में ये यूज़ किया जाता है, जैसे स्पेशल सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एज सीवर कंस्ट्रक्शन, मैन होल कंस्ट्रक्शन, रिटेनिंग वॉल कंस्ट्रक्शन, चिमनी कंस्ट्रक्शन, फायर वर्क्स में यूज किया जाता है ये। ऑर्नामेंटल ब्रिक्स आर मेड फॉर यूज ऑफ कॉर्निस। हाँ देखिए, स्पेशल या पर्पज मेड ब्रिक जो होती है वो ऑर्नामेंटल ब्रिक में भी होती हैं, ये ऑर्नामेंटल कंस्ट्रक्शन में भी यूज की जाती हैं, एज कॉर्निस आर कॉर्बल्स, कॉर्निस या कॉर्बल्स में यूज किया जाता है, आर्च कंस्ट्रक्शन में भी यूज। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इंजीनियरिंग ब्रिक इसका इसीलिए नाम है। इसका कहाँ कहाँ पे, मैन होल कंस्ट्रक्शन में, रिटेनिंग वॉल कंस्ट्रक्शन में, इन सब में इसका यूज कर सकते हैं। चलो आगे नेक्स्ट टॉपिक। अब हम देखते हैं कि शेप के अकॉर्ड पे, शेप के अकॉर्डिंग कौन कौन से थे, इसका फिगर हम देख लेते हैं जो अभी हमने पढ़ा है। बोल नोज ब्रिक हल्का कर्व है, यहाँ देखिए ऐसे कर्व है ना। हाँ, चैनल ब्रिक, चैनल के शेप के अकॉर्डिंग है ये, चैनल के शेप के अकॉर्डिंग। ठीक, कोपिंग ब्रिक, कोपिंग ब्रिक पता है आपको, कोपिंग प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। चैनल ब्रिक चैनल या ड्रेनिंग ड्रेनेज वर्क के यूज किया जाता है। बोल नोज ब्रिक कॉर्नर में यूज किए जाते हैं। काउ नोज ब्रिक दोनों तरफ कर्व होगा, दिखाया नहीं है इसमें, दोनों तरफ वो कर्व शेप में होगी। बोल नोज ब्रिक ऐसे ऐसे होगी, ऐसे बोल नोज ब्रिक, काउ नोज ब्रिक इसको बोलेंगे, और ये बोल नोज ब्रिक हो गया। कर्व सेक्टर ब्रिक्स पता है, कर्व सेक्टर ऑफ ब्रिक्स, ये ब्रिक का कर्व सेक्टर शो किया गया है, कर्व ब्रिक। ठीक है, हॉलो ब्रिक, इसमें पर जो है सिलेंड्रिकल या रेक्टेंगुलर, सिलेंड्रिकल और रेक्टेंगुलर होल्स हैं पूरे तक। ठीक है, पूरे वन फेस टू, अपर फेस टू डाउन फेस तक। पेविंग ब्रिक, पेविंग वर्क में यूज किया जाता है। आयरन, आयरन टाइप ब्रिक होती है, इसमें जो है आयरन विट्रीफाइड ब्रिक भी बोल सकते हैं इसको, पेविंग ब्रिक को, क्यों? क्योंकि इसकी हार्डनेस आयरन से बढ़ जाती है। परफोरेटेड ब्रिक में स्मॉल सिलेंड्रिकल परफोरेशन होती है, और परफोरेशन साइज जो होता है वो कम होता है, 25-30 mm ऐसे होता है डाया का, और ज़्यादा से ज़्यादा परफोरेशन 25% तक रखते हैं। पर्पज मिड ब्रिक, ये इंपॉर्टेंट है पूरा, बिल्कुल इसे आप ज़रूर देख लेना। पर्पज मिड ब्रिक स्पेशल पर्पज के लिए ब्रिक बनाई गई है, डिफरेंट शेप्स की, शेप की जैसा पर्पज हो वैसा बनाया जाता है। स्पेशल पर्पज ब्रिक में फेसिंग के लिए, ऑर्नामेंटल वर्क के लिए, कॉर्निस के लिए, ठीक है, यूज करते हैं इसका। डॉगल या एंगल शेप, अब ये एंगल शेप में प्रिपेयर की जाती है, जैसे ऐसे हो गया। ठीक है, क्वीन क्लोजर, क्वीन क्लोजर क्या होता है, बिल्कुल क्लियर है। जैसे ये हमारे पास क्या है, ब्रिक है ऐसे, इस ब्रिक को पूरे लेंथ के अलोंग हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो उसको हम बोलेंगे क्वीन क्लोजर। क्वीन क्लोजर का मतलब ब्रिक को लेंथ के अलोंग हाफ पार्ट में डिवाइड किया गया है। किंग क्लोजर का मतलब ब्रिक को उसकी विड्थ और हाइट के अलोंग, देखिए विड्थ और लेंथ के अलोंग, पूरी हाइट तक या पूरी डेप्थ तक, ये इसकी विड्थ से, विड्थ का हाफ पोर्शन और लेंथ का हाफ पोर्शन, इसके अलोंग जो है हम जो है इसको ब्रेक कर देते हैं, तो जो लॉन्ग पार्ट बचता है उसे हम बोलते हैं किंग क्लोजर। समझ में आया? पौना ब्रिक, पौना ब्रिक का मतलब जो ब्रिक का 1/4 पोर्शन जो है निकाल देंगे, सिर्फ ये वाला जो पोर्शन होगा इसी को बोल देंगे पौना ब्रिक या 1/4 ब्रिक। हाफ ब्रिक का मतलब बिल्कुल आधा। ठीक, और इसके बाद जो है हम बात करेंगे 1/4 ब्रिक, 3/4 ब्रिक भी पता है, पौना ब्रिक का मतलब 3/4 ब्रिक होता है। 1/4 ब्रिक, हाफ ब्रिक,
क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक बेस्ड ऑन रीजन, रीजन के अकॉर्डिंग ब्रिक का क्लासिफिकेशन क्या होगा। क्रीम सिटी ब्रिक, क्रीम सिटी ब्रिक में कौन कौन से सिटी में मिलवाकी और विस्कोनिस ये सब ब्रिक आर फॉर्म। इन सिटी में दीज आर इन अलग अलग विदेशों के ये नाम है, बोलने में थोड़ी कठिनाई हो रही, छोड़ो ज़्यादा ज़रूरी नहीं। लंदन स्टॉक ब्रिक का नाम है ये, क्लासिफिकेशन रीजन के अकॉर्डिंग है। लंदन में ये ब्रिक यूज की जाती है। डच ईट का नाम डच, नीदरलैंड में यूज किया जाता है ब्रिक को, हम डच बोलते हैं नीदरलैंड में। इंडिया में नानक साहिब ब्रिक भी यूज की जाती है रीजन के अकॉर्ड, नानक साहिब ब्रिक भी एक टाइप की होती है, नेट पर सर्च कर देना आप। रोमन, रोमन ब्रिक, रोमन के अकॉर्डिंग रोमन कंस्ट्रक्शन में यूज की जाती है। स्टेफोर्डशायर ब्लू ब्रिक इंग्लैंड में यूज की जाती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए टॉपिक, आज का लास्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रिक, गुड ब्रिक की कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी है। बिल्कुल जो फर्स्ट क्लास ब्रिक की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उससे मिलनी जुलनी चाहिए। यूनिफॉर्म कलर होना चाहिए, कैसा, रेड चेरी कलर होना चाहिए। साइज एंड शेप यूनिफॉर्म होना चाहिए, स्टैंडर्ड साइज को मेंटेन्ड किए होना चाहिए। साउंड एंड शुड बी साउंड एंड कम्पैक्ट, साउंड होना चाहिए, साउंड का मतलब निर्दोष। इस पर इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट कम होना चाहिए, मतलब वाटर या एयर का इम्पैक्ट कम होना चाहिए, कंपैक्टेड होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम क्रैक्स, क्रैक्स से फ्री होनी चाहिए। ये SSC JEE मेंस में पूछता है और ESC मेंस में ये पूछता है ये क्वेश्चन, इसे हल्के में आप मत लेना। बहुत लोग थ्योरेटिकल नहीं पढ़ते हैं, कन्वेंशनल निकाल, अरे थ्योरेटिकल में ऑब्जेक्टिव निकाल लेते हैं, कन्वेंशनल में जाके फंस जाते हैं मेरी तरह से, ठीक है, मैं भी फंसा हूँ। अब देखते हैं, फ्री फ्रॉम क्रैक्स, क्रैक से जो है फ्री होना चाहिए। एयर बबल्स होने चाहिए इसमें, स्टोन नाड्यूल्स से फ्री होने चाहिए इसमें, एयर बबल्स नहीं होने चाहिए, फ्री फ्रॉम क्रैक्स से फ्री होने चाहिए, स्टोन के पेबल्स नहीं होने चाहिए इसमें, शार्प एज होनी चाहिए, स्क्वायर एज होनी चाहिए, ठीक है इसकी। ब्रिक शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन 1/5, 1/5 का मतलब 20% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, 15-20%, 24 घंटे तक अगर वाटर में इमर्स्ड किया जाए तो ब्रिक 20% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। किसका 20%? ड्राई वेट का, ब्रिक के ड्राई वेट का 20% से ज़्यादा नहीं पानी सोखना चाहिए। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक शुड बी इन रेंज ऑफ 2000-5000 PSI, PSI का मतलब क्या हो गया, PSI का मतलब हो गया कि पाउंड पर स्क्वायर इंच, याद कर लेना आप, ये ब्रिटिश यूनिट है, पाउंड पर स्क्वायर इंच 2000-5000 पाउंड पर स्क्वायर इंच होना चाहिए इसकी स्ट्रेंथ, 15-35 मेगापास्कल। ये विदेशी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, ये फॉरेनर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है। अब इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इसकी मिनिमम स्ट्रेंथ जो होनी चाहिए वो 10 मेगापास्कल या 100 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर या नियरली 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होनी चाहिए। 10 मेगापास्कल और 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर या 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और नहीं 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए। कोई भी पूछ सकता है, आगे मैं ऑब्जेक्टिव जब कराऊंगा लेक्चर में ये ब्रिक ख़त्म होने के बाद, तो देख लेना आप कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया। साल्ट अटैक हैमर्स द ड्यूरेबिलिटी ऑफ ब्रिक, ब्रिक में जो साल्ट अटैक होगा वो उसका एडवर्स इफेक्ट होता है। सॉल्यूबल साल्ट इन ब्रिक आल्सो काज एफ्लोरेसेंस, क्या होगा जब ब्रिक में सॉल्यूबल साल्ट होगा, एक्सटीरियस मटेरियल में भी पढ़ाएंगे, ब्रिक में जो हार्मफुल मटेरियल होता है उस केस में हम एफ्लोरेसेंस पढ़ाएंगे। क्या होता है एफ्लोरेसेंस, एफ्लोरेसेंस क्या होता है वो पढ़ाएंगे। एफ्लोरेसेंस को उत्फूलन बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं उसको, उत्फूलन, ठीक। क्या होता है जब ब्रिक में साल्टी मटेरियल प्रेजेंट होगा या अल्कलाइन मटेरियल, साल्टी मटेरियल का मतलब अल्कलाइन मटेरियल प्रेजेंट होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन के बाद या रेनी सीजन की कंडीशन में जब ब्रिक जो है फुली वेटेड हो जाएगी तो धीरे धीरे जब वाटर वेपोरेट होगा तो इस साल्टी मटेरियल को के सॉल्यूशन को अपर सरफेस पे वाइट पाउडर के फॉर्म में स्केप कर देगा, छोड़ देगा, ठीक है। वाइट पाउडर फॉर्म में ये साल्टी मटेरियल ब्रिक के ड्राई होने के बाद जो है
बच जाता है, इसी को हम बोलते हैं क्या, एफ्लोरेसेंस। ये देखने में ब्रिक को भद्दा कर देता है, बॉन्डेज कैपेसिटी को कम कर देता है। इंपॉर्टेंट है क्या इफेक्ट होगा एफ्लोरेसेंस का, बॉन्डेज कैपेसिटी कम कर देगा, ईंट देखने में भद्दी लगने लगेगी, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा अल्कलाइन मटेरियल, सल्फेट ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम के सल्फेट, सोडियम के सल्फेट, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ये 2.5% 2.5% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक। 2.5% से ज़्यादा नहीं। दी परसेंटेज ऑफ सोल्यूबल साल्ट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, शुड नॉट बी एक्सीड टू 2.5% ऑफ बंट ब्रिक। ब्रिक शुड नॉट चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में ये चेंज नहीं होना चाहिए। कब, जब वाटर में वेट कंडीशन में या वेटेड किया जाए वाटर में, तो वो वॉल्यूम में चेंज नहीं होना चाहिए। चेंज तो होगा, हर हाल में होगा कुछ ना कुछ, ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। नाइदर ओवर बंट नार अंडर बंट, ना तो ज़्यादा पकी हो ना तो कम पकी हुई हो। थर्मल कंडक्टिविटी कम होनी चाहिए, क्यों कम होनी चाहिए ये देखा जाए। बिल्डिंग बिल्ट विथ देम शुड बी कूल इन समर, क्यों, क्योंकि समर कंडीशन में जो बिल्डिंग हो वो कूल हो, और साथ ही साथ विंटर कंडीशन में वो वार्म हो, यानी कि बिल्डिंग में थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टी मेंटेन रह सके। ब्रिक शुड बी साउंड प्रूफ, साउंड प्रूफ का मतलब उसकी साउंड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवर्बरेशन नहीं होना चाहिए, कम रिवर्बरेशन होना चाहिए। रिवर्बरेशन क्या होता है, प्रतिध्वनि या गूंज, रिवर्बरेशन का मतलब गूंज, और इको भी कम होना चाहिए उस बिल्डिंग में, ठीक है। ब्रिक्स शुड बी नॉन इन्फ्लेमेबल, ज्वलनशील नहीं होनी चाहिए, इनकम्बेसिबल मतलब आसानी से आग नहीं पकड़नी चाहिए। ब्रिक्स शुड बी फ्री फ्रॉम लाइम पिटिंग, लाइम पिटिंग से ये मुक्त होनी चाहिए। लाइम पिटिंग का मतलब इसमें लाइम के जो पिपल्स या बैलास्ट नहीं होने चाहिए लाइम के, अगर होंगे ऐसे तो उसका सेफ यूनिफॉर्म नहीं होगा, इसका जो फ्रैक्चर्ड स्ट्रक्चर होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, ब्रिक में स्वेलिंग के कारण क्रैक्स जनरेट हो सकते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन होगा, लाइम स्वेल होगा, लाइम स्वेलिंग के कारण लगभग 2.5 गुना फूल जाता है, तो उसका सेफ डिस्टॉर्ट हो जाएगा। आज का लेक्चर यहीं तक है, और मैं लास्ट में, स्टार्टिंग में तो मैंने नहीं मोटिवेशनल बातें कुछ कही हैं, लेकिन मैं लास्ट में मोटिवेशनल बात कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, ज़्यादातर मुझे रिकमेंडेशन आए कि आप शॉर्ट वीडियो बनाओ, मैं शॉर्ट वीडियो बना कर क्या करूँगा, पढ़ने वालों को बड़ा वीडियो ही अच्छा है। ज़्यादातर पढ़ोगे, अगर आप बताओ कि आपको पार करना है नदी, आप नाले को पार करने की प्रैक्टिस करके जाओगे तो क्या होगा, डूब जाओगे ना, पक्का नदी में डूब जाओगे। इसलिए जब आपको SSC JEE या फिर ESC या गेट क्वालिफाई करना है, निकालना है, अच्छी खासी रैंक लानी है, तो उस केस में आपको नाले पार करने की प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको उस केस में नदी पार करना होगा। अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करो कि आप नदी पार करो, बिल्कुल ज़रूरी है ये। मैं इसीलिए शॉर्ट वीडियो बनाने में हिचकिचाता हूँ, क्यों, शॉर्ट मैंने टॉपिक ले लिया, नॉलेज है, याद है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं कुछ पूछ सकता है, तो आप बताओ क्या कुछ स्किप करना वीडियो लेक्चर में आपके लिए फ़ायदेमंद है या मेरे लिए फ़ायदेमंद है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए लेक्चर बड़ा हो या छोटा हो, आप लेक्चर को पूरा देखें और मुझे मोटिवेट करें, खुद को मोटिवेट करें। कंपटीशन टाइम टू टाइम बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन को केयर करते हुए अपने आप को अच्छी तरह से प्रिपेयर करें, ठीक है। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे मोटिवेट करें, मुझे ग्रोथ करने में अपना योगदान दें, और साथ ही साथ अपने ग्रोथ में भी मेरा कुछ योगदान लें। धन्यवाद।